एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है राउंड 9 सी क्लास लाइसेंस। फिर हमें एक मेले जैसी जगह दिखाई जा रही होती है जहाँ पर कुछ लोग जो है जा रहे होते हैं इस तरफ से 2 जन और इस तरफ से 2 जन और बाकी आगे पीछे 6 जन और जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि इप्पो जो है बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है ये देखकर और शता का मोरा बोलते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं वो तो ऐसा चलता रहता है। फिर हम देखते हैं ये लोग जो आए होते हैं वो लेने आए होते हैं बॉक्सिंग का एग्जाम प्रो सर्टिफिकेट लेने के लिए। फिर हम देखते हैं इप्पो का वेट होने लगता है और जब उसे खतरनाक सा बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है मासीबा जो कि बिल्कुल एकदम चिमकांडी दिख रहा होता है और ये चिमकांडी बंदा जो है अपना वेट चेक करता है जो कि इप्पो जितना ही होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इनका जो है रिटर्न एग्जाम होने लगता है जिसमें इप्पो की पेंसिल भी टूट जाती है मतलब नोक टूट जाती है और इप्पो जो है अपना वो खटखट वाला कंपोज भी फेंक देता है। इस कारण ये जो दो लोग रहते हैं उस पर चिल्लाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं उसका एक दोस्त तो नहीं रहता मगर एक बंदा रहता है उसकी मदद करने लगता है और इप्पो से थैंक यू बोलता है मगर उसके सर में लग जाती है। फिर लोगों ने उसका जो है मजाक बनाने लगते हैं और ये चिमकांडी बंदा रहता है उसे गुस्सा आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि इप्पो जो है उस बंदे के पास आके खड़ा हो जाता है और फिर ये बंदा बोलते है कि अच्छा तुम्हें उस बारे में चिंता नहीं करना चाहिए वो तो मेरा फर्ज था तुम्हारी वजह से मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मुझे भी कुछ बुरा नहीं लगा मैं अच्छे से टेस्ट पास कर पाया। फिर इप्पो जो है फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाता है और वो हाँ बोलता है मगर जब ये चिमकांडी आ जाता है और बीच में से उनका हाथ तोड़ देता है और एक मुक्का मारकर अपने आप को वेजिटा समझने लगता है और फिर वहां से अपने को रियूएन काकीरू समझकर वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए जो टेस्ट हो रहा होता है बेसिक्स का फिर ये रेफरी बताता है कि बेसिक्स करने का इस्तेमाल करना है आपको जेब फुटवर्क इंडोरेंस और ये भी जो चीज है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो बंदा रहता है अपोनेंट वो है एक पंच मारता है इप्पो को मगर इप्पो जो सपच जाता है। फिर इप्पो जो है उसे एक लेफ्ट जेब मार देता है जेब वैसे लेफ्ट हाथ से ही बांधते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक राइट पंच भी मार देता है उसको और ये बंदा जो है पूरा बिल्कुल उलट जाता है पूरा बिल्कुल उल्टा होके गिर जाता है। फिर हम देखते हैं चिमकांडी रहता है वो बहुत ज्यादा चौक जाता है और बाकी लोग जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा चौक जाते हैं कि उसने तो उस बंदे को पूरा पलटा ही दिया ये वाकई में बहुत ज्यादा ताकतवर है। फिर हम देखते हैं कि इप्पो की दोस्ती फाइट होने वाली होती है इस चिमकांडी बंदे से जिसका नाम मासीबा है। फिर हम देखते हैं कि ये जो अपना हाथ ऐसा मिशा चलाने लगता है और फिर ये बड़े अजीब ढंग से जो है जेब मारने लगता है इप्पो के दोस्त को और फिर ये जेब मरसा और इन्हें वैसे स्लीकर जेब कहा जाता है और ये बंदा जो है बिल्कुल एकदम बेहोश हो गया होता है मतलब आंख उसकी खुली की खुली रह गई होती है और रेफरी आता है कि बस ये हार गया आप तुम जा सकते हो रियल मैच नहीं है मगर ये सुनता नहीं और उसे और मारने लगता है और फिर रेफरी बोलता है कि जाओ बेल बजा दो। फिर बेल बजने के बाद ये जो है रुक जाता है मगर वो बंदे की बुरी हालत हो गई होती है और इप्पो जो है ये देखकर चौंक जाता है और ये बंदा पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगता है। फिर हम देखते हैं इप्पो जो है उसके पास जाकर देखता है वो नीली टी शर्ट वाले के पास मगर वो कुछ मतलब बहुत ज्यादा लग गई होती है उसे चोट। फिर हम देखते हैं मिस्टर टाकामोरा इप्पो को देखते हैं और उससे बोलते हैं कि ऐसा तो चलता रहता है अगर तुम इतने टफ नहीं होगे तो तुम एक प्रो बॉक्सर नहीं पड़ पाओगे। फिर इप्पो बोलता है कि ये तो बस एक टेस्ट था ना इतना क्रूअल क्यों होने की जरूरत थी इतना कठोर होने की क्या जरूरत थी। तो मिस्टर टाकामोरा बोलते क्या तुमने देखा उसने कैसे पंच मारे उस पंच को कहते हैं फ्लिकर जेब्स और वो जो है बहुत खतरनाक पंच है उससे तुम्हें बचकर रहना चाहिए। फिर इप्पो बोलता है कि थॉमस हर्न के बारे में जानते हो मिस्टर टाकामोरा बोलते हैं इप्पो से तो फिर वो बताते हैं कि थॉमस हर्न कौन है। फिर यहाँ पर फूजी हो जाता है और वो जो है बताने लगता है कि इस बंदे का नाम मासीबा है और ये वाले जिम से है और फिर ये मासीबा बोलने लगता है कि जब तक मैं फेदरवेट क्लास में हूँ तुम कभी भी फेदरवेट क्लास से ऊपर नहीं जा पाओगे क्या तुम क्लासेस स्विच करना चाहते हो। तो इप्पो बोलता है नहीं मैं क्लासेस स्विच नहीं करूंगा मैंने एक बंदे को प्रोमिस किया कि मैं उसे रूकी चैंपियनशिप में मिलूंगा और मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा मेरे लक्ष्य तक पहुंचने की। और ये सब सुनकर फूजी और टाकामोरा जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर इप्पो जो है वहां से चला जाता है और ये जो सूखा पाका बंदा रहता है जो कि ताकतवर है वैसे वो हंसने लगता है। फिर हम देखते हैं कि जो इप्पो रहता है वो जाने लगता है कामोगावा बॉक्सिंग जिम के भी उसके पास कुछ चीज आई होगी पार्सल आया होता है और फिर वो बोलता है इप्पो की क्या वो आ गया क्या वो आ गया। तो दोस्तों वो आ चुका होता है वो रहता है इप्पो का प्रो सर्टिफिकेट बॉक्सिंग के लिए और इस बात की जो है बहुत ज्यादा खुशी रहती है चीफ को मगर वो अपनी खुशी को छुपाते हैं और इप्पो से बोलते हैं कि तुम्हें आलसी नहीं बनना है तुम्हें और मेहनत करना है तुम्हें ऐसा करना है तुम्हें वैसा करना है और फिर वो और भी बोलने लगते हैं कि जाओ मेहनत करो रुवक करो मगर इप्पो जो है वहां से चला गया होता है और मिस्टर यागी बोलते कि इप्पो तो कब का ही चला गया था उसकी मम्मी की मदद कराने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि इप्पो जो है जा रहा होता है उसके घर की तरफ मगर जब उसको उमेजावा और उसके चमचे मिल जाते हैं जो कि उसे वापस से परेशान करने लगते हैं और उसका सर पकड़ लेता है उमेजावा और बोलता है क्या तुम हमसे बदला लेना चाहते हो तुम एक बॉक्सिंग जिम जा रहे हो। और फिर उसका चमचा बोलता है क्या तुम हमसे बदला लेना चाहते हो क्या तुम्हें लगता है कि ये एक मजाक है। और फिर ये जो है इप्पो को जो है परेशान करने लगते हैं और फिर इप्पो बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता था और ये जो है इप्पो का बैग गिरा देते हैं उसका लाइसेंस भी वहीं गिर जाता है। तो ये बोलते हैं अच्छा ये तो एक प्रो बॉक्सिंग लाइसेंस है अच्छा तो तुम
हमसे लड़ने के लिए जो है मेहनत कर रहे हो और हमें हराना चाहते हो, और फिर ये बोलते हैं कि हर किसी को मिल जाता है लाइसेंस, तो ये तो बहुत कमजोर है पहले की तरह। फिर हम देखते हैं कि वो जो है उसका लाइसेंस छुड़ा लेता है उमेजावा, और ये जो है पंच मारने लगते हैं इप्पो को। हमारा इप्पो सिर्फ अपने बॉक्सिंग लाइसेंस की तरफ देखता है, और इप्पो जो है दोनों को डोज कर लेता है, और उसका लाइसेंस जो रहता है वो एक जेब मार के जो है ले लेता है, और बिल्कुल चोट नहीं पहुंचाता उमेजावा को। और फिर इप्पो बोलता है कि मैंने रिवेंज लेने के रीजन से नहीं सीखा है बॉक्सिंग, मुझे बॉक्सिंग करना अच्छा लगता है इसलिए मैंने बॉक्सिंग करना सीखा। और फिर ये जो लोग रहते हैं वो ज्यादा चुक जाते हैं, उमेजावा और उसके जो भी चमचे रहते हैं वो बहुत ज्यादा चुक जाते हैं। और फिर इप्पो जो है अपना जो है कई जगह एक जगह बैठ कर अपना लाइसेंस साफ करने लगता है, और फिर वो सोचने लगता है कि जब से वो मिस्टर ताकामुरा से मिला है 6 महीने हो चुके हैं लगभग, और उसने जो है मियाटा से भी फाइट करी है और बहुत अच्छी फाइट करी है, और वो जो है अब एक उसे एक प्रो लाइसेंस भी मिल गया है बॉक्सिंग का, और वो एक प्रो बन चुका है। यही सब जो इप्पो सोच रहा होता है, और वो जो है कचरे के ढेर के बीच में बैठ कर ये सब सोच रहा होता है, जिसके कारण लोग उसे देखने लग जाते हैं, और इप्पो जो है शर्म के मारे वहां से उठकर भाग जाता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कामगावा बॉक्सिंग जिम पर, जहां पर इप्पो जो है कामगावा बॉक्सिंग जिम में पहुंच चुका होता है, और वहां पर जो है थोड़ी सी पंची करने लग जाता है सैंड बैग पर, मगर वहां पर पीछे मिस्टर ताकामुरा खड़े होते हैं, और वो बोलते हैं क्या तुम मुझसे चैलेंज करना चाहते हो, तुम्हारा तो डेब्यू मैच भी नहीं हुआ अभी। और इप्पो बोलता है कि नहीं, वो तो मैंने तुम्हें देखा नहीं था। फिर मिस्टर ताकामुरा बोलते हैं कि तुम्हें पहले ही हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। और फिर इप्पो बोलता है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता, और फिर से मिस्टर ताकामुरा बोलते हैं कि तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते जब तक तुमने ट्राई नहीं करा हो। और फिर इप्पो जो है कॉन्फिडेंट हो जाता है, और वो जो है पंच मार देता है और बोलता है अच्छा ठीक है फिर। और फिर मिस्टर ताकामुरा एक पंच मार देते हैं, इस कारण इप्पो जो है उड़कर बिल्कुल फीका जाता है जमीन पर। और मिस्टर ताकामुरा बोलते हैं हंसते हुए कि तुम्हें 10 साल लगेंगे मेरे तक पहुंचने में, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। और फिर हम देखते हैं कि वहां पर जो है फूजी आ गया होता है, और वो कुछ वीडियो दिखाने आया होता है इप्पो को मियाटा की और मासीवा की। फिर वो मियाटा की वीडियो दिखाता है जिसमें मियाटा ने नॉकआउट कर दिया होता है उसके अपोनेंट को 1:33 में, और जो है मियाटा का डेब्यू मैच रहता है, मतलब फर्स्ट मैच रहता है। और फिर ये सब जो है फूजी बता रहा होता है, और फिर वो एक और वीडियो बताता है जो कि रहती है मासीबा की, जो कि अपने फ्लिकर जेब का इस्तेमाल कर रहा होता है। और ये सब देखकर इप्पो जो है थोड़ा सीरियस हो जाता है, जिसको मिस्टर ताकामुरा जो है ध्यान से देखने लगते हैं। और फिर इप्पो जो है वीडियो की वो जो टीवी देख रहा होता है जिसमें वीडियो रहती है मासीबा की, और फिर फूजी बताता है कि ये भी बहुत बढ़िया मैच था मासीबा का, मासीबा रियो भी बहुत अच्छा एक बॉक्सर है। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर ताकामुरा बोलते हैं तो बहुत जल्दी ही खत्म हो गया। फिर इप्पो बोलता है मैं तो वापस जा रहा हूँ, और एक बिल्कुल पीठ पर एक वो हाथ मार देते हैं मिस्टर ताकामुरा, जिस कारण इप्पो को जो है बहुत ज्यादा दर्द होता है, और मिस्टर ताकामुरा हंसने लगते हैं। और फिर जो है वहां से कुछ बात करने लगते हैं फूजी से, और वो फूजी बताता है कि इप्पो भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, मुझे उम्मीद है उसका डेब्यू मैच अच्छा होगा। फिर हम देखते हैं इप्पो जो अपना सर धोने लगता है, क्योंकि वो जो है बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया होता है, और वो उसी बारे में सोच रहा होता है। और फिर जब भी उसे जो है कुछ आवाज आती है जो कि रहती है इप्पो इप्पो कहा हो तुम इप्पो, और फिर हम देखते हैं कि यागी कुछ बता रहे होते हैं, और फिर शिव बोलते हैं कि तुम्हारा अपोनेंट डिसाइड हो गया है डेब्यू मैच के लिए, और यहाँ पर बुलेट की आवाज आ रही है। और फिर जो चीफ रहते हैं वो बताते कि उसका नाम है, और इप्पो बोलता है हाँ उसका नाम क्या है, और फिर वो बताते उसका नाम है, और यहीं पर जो है एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको एपिसोड पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और थैंक यू फॉर द 10 सब्सक्राइबर। मैं वीडियो नहीं डाल पाया मगर मैं जरूर डालना चाहूंगा, मगर मुझे 10 सब्सक्राइबर नहीं दिख रहे किस किस लोगों ने सब्सक्राइब करे, तो कमेंट कर देना वीडियो में जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखे। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, मिलेंगे अगली वीडियो।